दोस्तों, आज का सीन ऐसा है कि आज ये भाई साहब तो देखेंगे, इनके स्कूल में दे हैव अ पोएम कॉम्पिटिशन एंड दैट इज इन हिंदी. तो इट हैज़ टू बी अ पोएम रिलेटेड टू नेचर. सो आई ट्राई टू फाइंड आउट अ लॉट इन ऑन इंटरनेट बट हमें कुछ जमा नहीं. सो आई हैड रिटन अ पोएम फॉर हिम इन लास्ट व्हेन आई डिड दैट आई थिंक टू डेज बैक और No, one day back only I finalized that. I had written it myself and had finalized that poem. So this is, first we have, the name of the poem is Dharti. The props we are going to make is Badal. Badal means clouds, Chiriya means birds, Peer is trees, Dharti hamari shaan hai. This will be a flashy card which we will make and we will paste on his t-shirt. Written this on one page, the bird is on the other page. This is the best bird possible I can make in this time frame. This is the tree, this is the cloud. Now we will just paint it. Rudraksh is going to paint it with these colors. These are the crayon colors, and as you can see the box, Rudraksh uses it to the core. He uses these kind of painting here done. This is सब कुछ हो गया है, काट वाट के बिल्कुल अच्छे से कर दिया है. आई विल शो यू वंस एंड देन वी विल मीट टुमारो एग्जैक्टली इन द मॉर्निंग, क्योंकि कल ही कॉम्पिटिशन. ओके, सो दिस इज हाउ द क्लाउड इज लुकिंग आफ्टर कम्प्लीटली वी ऑलरेडी डन द वाटर कलर, और उसके ऊपर क्रेयॉन भी चला दिया है, द बर्ड एंड वी कट इट आउट द एक्स्ट्रा वाइट शीट. ये भी है, ये क्या काम में आएगा वो कल आपको पता चल जाएगा. ये भी है और ये दोनों भी किस तरह से काम में आएंगे ये भी आपको कल पता चल जाएगा. सो दिस इज ऑल वी हैव डन. सो सी यू टुमारो. गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो टुडे इज द कंपटीशन डे एंड डे टू, एंड बिफोर डूइंग दैट इट्स सी द टाइम, यू कैन सी दैट इट इज ऑलरेडी 9:45. And we decided that we will make one more prop for him that will be with natural leaves. जब घर में natural leaves है तो हम इतना drawing क्यों कर रहे हैं ना. So we will make one more prop from our garden. So we are going to take few natural leaves and we will put it here as a necklace. And before that, say good morning to Smilu. वाले बच्चे हमेशा सिर्फ एक ही करते हैं, तो मैंने थोड़ा आगे से और थोड़ा पीछे से ऐसे लिया है ताकि बराबर रहे, वरना ये लास्ट टी एस बी वाले बच्चे वेट ही करते रहते हैं मैम.
ओके नो प्रॉब्लम मैम, थैंक यू। हाँ मैम, हाँ चलो शुरू करो रुद्राक्ष, शुरू करो बेटा आप। वेरी गुड रुद्राक्ष, बहुत अच्छी कविता है और आपकी